नमस्कार, आप देख रहे हैं 2020 टॉप हेडलाइंस। मैं हूं शकील अहमद, मेरे साथ हैं आदर्श कुमार। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन को 2 सप्ताह का समय बीत चुका है। उनके निधन के 12 दिनों बाद परिवार की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उनके बेटे उत्पल और अभिजात ने पीएम मोदी, आरएसएस पार्टी कार्यकर्ताओं और गोवा की जनता को धन्यवाद दिया। सबसे खास बात यह है कि यह बयान मनोहर पर्रिकर के ऑफिशियल ट्विटर से किया गया। उत्पल ने कहा कि लोगों के प्यार ने उन्हें और उनके परिवार को संकट से मुकाबला करने की शक्ति दी। आपको बता दें कि मनोहर पर्रिकर के बेटे ने अब राजनीति में आने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि जब तक पर्रिकर जीवित थे, तब तक उनके बेटे राजनीति से दूर थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जनता को कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस को कौन कानून का पाठ पढ़ाएगा? हरदोई के लोनार थाना की पुलिस खुद भाजपा नेताओं का प्रचार कर आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रही है। मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। लोना थाने के सीओजी नंबर से भाजपा का प्रचार कर 30 मार्च को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जनता से शामिल होने की अपील किए जाने का पोस्टर पुलिस के वॉलंटियर ग्रुप में शेयर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत को महाशक्ति बनाने के लिए। उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद के शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। हाथरस संसदीय क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी और इगलास विधानसभा सीट से विधायक राजवीर सिंह दिलेर एक अनचाहे विवाद में फंस गए हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए दायर किए गए नामांकन में उनके द्वारा बताई गई शैक्षिक योग्यता पर सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा विधायक राजवीर दिलेर ने लोकसभा चुनाव के लिए दिए गए अपने हालिया शपथ पत्र में खुद को इंटरमीडिएट बताया है, जबकि 2 साल पहले दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने खुद को हाईस्कूल फेल बताया था। हालांकि उन्होंने इस मामले पर अब सफाई पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अपने एक भाषण के दौरान सौगंध मुझे इस मिट्टी की एक कविता सुनाया था, जिसके बाद अब स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने पीएम की उसी कविता को अपनी मधुर आवाज़ में गाने का रूप दिया है। अपने इस नए गाने को लता मंगेशकर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। बीजेपी ने इस कविता को चुनाव कैंपेन का गीत बनाया है। नमस्कार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की संपत्ति पिछले 7 साल में 3 गुना बढ़ी, यह जानकारी उनके हलफनामे में सामने आई है, जब शनिवार को उन्होंने गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। हलफनामे के मुताबिक अमित शाह और उनकी पत्नी की संपत्ति 2012 की 11 करोड़ 79 लाख रुपए से बढ़कर 38 करोड़ 81 लाख रुपए हो गई है। इस संपत्ति में 23 करोड़ 45 लाख रुपए की विरासत मिली, चल और अचल संपत्ति भी शामिल है। हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए पटेल अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 में मेहसाड़ा में दंगा फैलाने के केस में हार्दिक पटेल को हुई सजा निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार दोषी साबित होने की वजह से हार्दिक पटेल इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद शनिवार को पहली बार सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी ने कहा अगर उनकी पार्टी का निर्देश होगा तो वह अमेठी में भी प्रचार करेंगी। मेनका का सुल्तानपुर जाते समय जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। सुल्तानपुर पहुंचकर मेनका सबसे पहले तिकोनिया पार्क पहुंची, जहां पर पूरे जिले से आए बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मिशन शक्ति की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर कटाक्ष किया है। चिदम्बरम ने कहा कि नासमझ सरकार ही देश की रक्षा क्षमता के साथ खुलासा करती है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि सैटेलाइट को मार गिराने की हमारे पास क्षमता कई वर्षों से रही है, सूझबूझ वाली सरकार देश की इस क्षमता को गोपनीय रखती है, सिर्फ नासमझ सरकार ही इसका खुलासा करेगी और अच्छा गोपनीयता को भंग करेगी। कर्नाटक में चल रही आयकर विभाग की छापेमारी के बीच राज्य के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने दावा किया कि इन छापों में बिना हिसाब के 10 रुपये तक की बरामदगी नहीं हुई है। आयकर विभाग ने बेंगलुरु, रामानगर, कनकपुरा, मांड्या, मैसूरु, हासन और शिमोगा में कई जगहों पर समन्वित रूप से छापेमारी की। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिना कोई अधिक जानकारी देते हुए कहा अभी यह समाप्त नहीं हुआ है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। नए वित्त वर्ष यानी अप्रैल शुरू होते ही अमूमन वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 10-40% बढ़ जाता था, लेकिन इस बार इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDAI ने कहा दोपहिया वाहनों, कार और कमर्शियल वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पिछले साल बाइक, कार और टैक्सी के प्रीमियम में 10-20% की कटौती की गई थी। दरअसल IRDAI ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरें तय करता है। इस साल कयास लगाया जा रहा था कि इन दरों में 20-30% की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अरेवती क्षेत्र में एक मकान में आग लग जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने बताया कि रेवती थाना क्षेत्र के चौबे छपरा गांव में रात को एक घर में आग लग गई।
इसमें झुलसकर सीमा, उसके बेटे राजवीर और काजल की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इस घटना में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी पहचान वीरेंद्र और उनकी पत्नी मीरा के रूप में हुई है। नोएडा थाना फेस 3 क्षेत्र के सेक्टर 121 स्थित एक सोसाइटी में रहने वाले इंजीनियर की उसकी सोसाइटी के 16वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस के अनुसार इंजीनियर की अभी हाल ही में सगाई हुई थी। शुरुआती जांच में पुलिस घटना को आत्महत्या का मामला मान रही है। दिल्ली पानीपत रेवाड़ी जाने के लिए टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को 1 अप्रैल से अपनी जेब और ढीली करनी होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरों में इजाफा कर दिया है। अलग अलग वाहनों की श्रेणी के हिसाब से टोल दरों में 550 रुपये तक की वृद्धि की गई है। वहीं टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में आने वालों के मंथली पास में 10 रुपये तक का टैक्स बढ़ाया गया है। फाइटर पायलट एयर मार्शल NS ढिल्लो को रणनीतिक बल कमान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। NS ढिल्लो अब देश के रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार का काम देखेंगे। बता दें कि रणनीतिक बल कमान प्रमुख की जिम्मेदारी परमाणु शस्त्रागार का कार्य देखना होता है। भारत सरकार ने बादाम, अखरोट और दलहन जैसे 29 अमेरिकी उत्पादों पर बदले की कार्रवाई के तहत उच्च दर से आयात शुल्क लगाने की समय सीमा को एक बार फिर 2 मई तक टाल दिया है। इससे पहले सरकार ने 1 अप्रैल तक के लिए इस फैसले को टाल दिया था। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF पार्टी राज्य में प्रजनन दर में गिरावट के कारण स्थानीय समुदायों से संबंधित महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता PD राय ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि सिक्किम में प्रजनन दर 1.2 बच्चों की खतरनाक दर से गिर गई है। उन्होंने लेपचा, भूटिया और सिक्किम नेपाली सहित स्थानीय लोगों की घटती जनसंख्या की तुलना जापान और सिंगापुर के साथ करते हुए कहा कि SDF सरकार यदि फिर से सत्ता में आती है तो वह एक गर्भित माँ योजना चालू करेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को अपने पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये और दूसरे बच्चे के जन्म पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए वैश्विक दबाव बढ़ रहा है। इसके बावजूद वह हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। वह इस आतंकी हमले की जाँच कितनी गंभीरता से कर रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पड़ोसी देश ने आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार द्वारा कबूलनामे वाली वीडियो में इस्तेमाल की गई बंदूक की जानकारी मांगी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी दलों ने अखाड़े में उतारने के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं ताकि उनके नाम पर ज्यादा से ज्यादा वोट लिए जा सकें। हर कोई ज्यादा से ज्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम करवाना चाहता है। लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा वोट लेने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड कांग्रेस के सज्जन कुमार के नाम है। उन्होंने वर्ष 2004 के चुनाव में 855,550 मत हासिल कर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा को हराया था। सज्जन कुमार वर्तमान में 84 दंगों के मामले में फिलहाल जेल में हैं। दिल्ली में गर्मी ने तेवर कड़े करते हुए बीते 8 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार को 8 वर्षों में सबसे अधिक गर्म दिन दर्ज किया गया। सूरज की तपिश के कारण अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसे पहले वर्ष 2010 में 22 मार्च को पारा 39.2 डिग्री दर्ज किया गया था जबकि गर्मी का ऑल टाइम रिकॉर्ड वर्ष 1945 में 31 मार्च को 40.6 डिग्री सेल्सियस का रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में गाड़ियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इसमें भी हमारे दो अभियान जैसी शुरुआत होनी चाहिए। कोर्ट ने एक ही व्यक्ति के पास कई गाड़ियों के होने को लेकर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस मिश्रा ने कहा परिवार के हर कमाऊ सदस्य के पास गाड़ी है लेकिन एक व्यक्ति के पास 5 गाड़ी। यहाँ गाड़ियों का परिवार नियोजन होना चाहिए। हम दो हमारे दो। एक दशक पहले भारत में शिक्षा का अधिकार कानून आया था। उसके बाद से प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को लगभग 100% तक हासिल कर लिया गया है लेकिन अब जो समस्या हमारे सामने खड़ी है वह है शिक्षा की गुणवत्ता। नीति आयोग द्वारा जारी की गई अध्ययन रिपोर्ट में पता चला है कि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हमें बहुआयामी दृष्टिकोण के जरिए पारंपरिक रणनीतियों में बदलाव करना होगा। नए वित्तीय वर्ष का सूरज जब तक उदय होगा तब तक 2 बैंकों का नाम मिट जाएगा। ये 2 बैंक 1 अप्रैल से बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से ही जानी जाएगी। यही नहीं लगभग 30,000 ग्राहक भी BOB के खाते में आ जाएंगे। हालांकि बैंक अधिकारी का दावा है कि विलय के बावजूद ग्राहकों की सेवाएँ कतई प्रभावित नहीं होगी। सरकार ने बीते दिनों देना और विजया बैंक की बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय की मंजूरी दी थी। ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है। इससे पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसकी 5 सहायक बैंकों का मर्जर हो चुका है। आयकर अधिकारियों ने उत्तराखंड में राज्य सरकार के 3 विभागों में डाटा डिलीट कर TDS में घपला करने का मामला पकड़ा है। अकेले सिंचाई विभाग में ही करीब 2 करोड़ रुपये की एंट्री खत्म कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक जिस तरह उत्तराखंड सरकार के अधिकारी TDS में फ्रॉड कर रहे हैं उसी तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में देहरादून स्थित सौर्य स्थल सैन्य धाम बनेगा। पूरी तरह से डिजिटल इस धाम के दर्शन को देश दुनिया के लोग चार धाम की तर्ज पर आएंगे। 1947 के बाद देश की रक्षा में कुर्बानी देने वाले हर सैनिक का नाम सैन्य धाम में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। एलडीए में सैकड़ों ऐसे आवंटी हैं जो पिछले कई साल से आवंटित प्लॉटों की किस्तें नहीं जमा कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री भी अब तक नहीं की गई। ऐसे में आवंटियों पर एलडीए अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। महीने भर में अगर इन आवंटियों ने अपने फ्लैटों की बकाया किस्तें जमा नहीं की तो प्राधिकरण इनका आवंटन निरस्त कर देगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हरसिल वैली में भारी हिमस्खलन हुआ। इसके कारण भागीरथी की एक धारा का प्रवाह कुछ देर के लिए अवरुद्ध हो गया। हालांकि पानी से बर्फ कटने पर अब नदी का प्रवाह सामान्य हो गया है, लेकिन तापमान में इजाफा होने से इस हिमाच्छादित क्षेत्र में हिमस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। दिल्ली के गौरी गैंग के दो सदस्यों को टिकटॉक पर वीडियो बनाना भारी पड़ गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस सोशल मीडिया ऐप की मदद से पुलिस उन तक पहुंच सकती है। दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के दो सदस्यों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में आस्था वेलफेयर सोसाइटी ने शहर के बुजुर्गों के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत जहाँ बुजुर्गों को सिर्फ 15 रुपये में खाना मिलेगा, वहीं बुजुर्ग शहर में अब मुफ्त में भ्रमण कर पाएंगे। आस्था वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन आशुतोष गुप्ता ने कहा कि सोसाइटी का मकसद सीनियर सिटीजन की सेवा करना है, जिसके तहत ये दोनों कार्य शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की लोकसभा क्षेत्र 32 मिश्रिक में सपा बसपा की महागठबंधन प्रत्याशी नीलू सत्यार्थी ने मिश्रिक विधानसभा के तहत नह चौराहा मिश्रिक जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री बसपा अब्दुल मन्नान ने भी इस जनसभा को संबोधित किया। देखें हमारे संवाददाता श्यामा कुमार मौर्य की रिपोर्ट। जिले के सम्मानित जिला लोकसभा से जीतकर पार्लियामेंट गई और जाने के बाद वो किसकी झोली में चले गए, किसके साथ खेलने लगे, ये आप लोगों को सबको जानकारी है। इसे बकाने की जरूरत नहीं है। कितना विकास कार्य उन्होंने किया है ये भी आपको जानकारी है। कितना संसद मिल उन्होंने यहाँ खर्च किया है ये भी आप लोगों को जानकारी है। तुम्हारे मोथों पर भी स्वभाव आ जाएगा जब तुम्हें चाहने वाला कोई जनाब आ जाएगा। मान्यवर अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी से प्यार करके तो देखो, अभी अभी तुम्हारी जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा। जो मंच पर मौजूद हमारी जो वजनदार शख्सियतें हैं उनके लिए दो शब्द कहूंगा कि ये तो अपनी आंखों से मोहब्बत अंजाम पढ़ते हैं, ये तो अपनी आंखों से मोहब्बत अंजाम पढ़ते हैं, एक ही नजर में पूरा हिंदुस्तान पढ़ते हैं। इन्हें सिकवा नहीं किसी मजहब या जाति से, क्योंकि ये बाइबिल गीता और कुरान पढ़ते हैं। वर्तमान में जो देश के हालात चल रहे हैं, हालातों पर जरा नजर डालते हैं। जब इस देश का सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है जब कहने लगे कि इस सरकार में लोकतंत्र को खतरा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा आपका क्या हो सकता है मित्रों। वर्तमान के हालात क्या है कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। और ये भी जनता की अदालत ने जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क की जमहूरियत खतरे में है। अरे मेरे देश के सियासतदारों, राजनीति करो, सियासत करो, लेकिन इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए।
भी मिले नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। किंग्स इलेवन पंजाब के ओपनर क्रिस गेल शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में आईपीएल में 300 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। गेल ने यह उपलब्धि 115वें आईपीएल मैच में हासिल की और अब उनके टी20 क्रिकेट में 915 छक्के हो गए हैं। आईपीएल में सर्वाधिक छक्कों के मामले में एबी डिविलियर्स 192 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। केएल राहुल के 57 गेंदों पर नाबाद 71 रनों की पारी की मदद से किंग्स इलेवन पंजाब ने शनिवार को मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। वहीं पंजाब ने मुंबई के खिलाफ मोहाली में 2011 के बाद पहली जीत दर्ज की। मोहाली में 9वीं बार किसी आईपीएल टीम ने 175 रनों का लक्ष्य चेज कर जीत हासिल किया। कोरिया ने शनिवार को भारतीय टीम को फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में हराकर तीसरी बार अजलन शाह हॉकी कप अपने नाम कर लिया। मैच के निर्धारित समय तक दोनों टीमें सिमरनजीत सिंह और जे जेंग के गोल के चलते बराबरी पर थीं। इसके बाद फैसला पेनल्टी शूट आउट से हुआ जिसमें कोरिया ने भारतीय टीम को 4-2 से हरा दिया। थ्रिलर फिल्मों की बात की जाए तो हिंदी सिनेमा में थ्रिलर फिल्में शुरुआत से ही काफ़ी बनी हुई हैं। उन्हीं में से एक है 2002 में आई फिल्म आँखें। इस फिल्म का अब सीक्वल बनने जा रहा है जिसे अनीस बज़मी बनाने वाले हैं। फिल्म में एक बार फिर अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिनके साथ इस बार जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी सामने आया है। वहीं हाल ही में आई खबरों के माने तो इस फिल्म में एक और कलाकार जुड़ चुका है और वह है पटौदी के नवाब सैफ अली खान। 17 साल पहले आई विपुल दोषी निर्देशित यह फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्म रही थी। फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी समय से काम नहीं दे रही है। उन्होंने 90 के दशक में माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और सुष्मिता सेन जैसी फिल्मी सितारों को डांस स्टेप सिखाए हैं, लेकिन अभी की बात करें तो सरोज खान को काम मिलना भी मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में 35 लोगों की मौत हो चुकी और कई घर बह गए हैं। इससे देश के सुदूर गांवों से संपर्क टूट गया है। अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा मोचन प्राधिकरण के प्रवक्ता हसमत बहादुरी ने कहा कि बाढ़ में उत्तरी फराया प्रांत में कम से कम 12 और पश्चिमी हेरात प्रांत में 10 लोगों की मौत हो गई है। बहादुरी ने कहा कि पश्चिम में बदकिस्त प्रांत में 8 लोगों की मौत हो गई और 3000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। जर्मन पुलिस ने इस्लामी चरमपंथी आतंकवादी हमले की योजना बना रहे 10 लोगों को पश्चिमी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक इन लोगों को अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया है। जांच टीम का कहना है कि अभी पूछताछ जारी है, लेकिन यह बात साफ हो गई कि ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। दक्षिणी अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ने दिल की धड़कन का पता चल जाने पर गर्भपात प्रतिबंध लगाने संबंधी एक बिल पर हस्ताक्षर कर दिया। विधायकों ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राज्य में सबसे अधिक राजनीतिक रूप से विभाजनकारी मुद्दों में से एक गर्भपात है और कई राज्यों ने गर्भपात की पहुंच को सीमित करने की कोशिश की है। जॉर्जिया के निचले सदन ने दिल की धड़कन बिल को मंजूरी दे दी है जो कि 6 सप्ताह से अधिक के भ्रूण की पहली धड़कन सुनाई देने पर गर्भपात पर रोक लगाता है। आप देख रहे थे 2020 खबरें। हम फिर से खबरों के साथ हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। नमस्कार।